सबसे पहले आप सबका इस प्रेस वार्ता में आने के लिए धन्यवाद। आज की प्रेस वार्ता एक अहम जानकारी को साझा करने हेतु बुलाई गई है। आप सब जानते हैं कि देश में बिहार में चुनाव को लेकर नई हलचलें शुरू हुई हैं। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का ये मानना रहा है, खास तौर पर बिहार विधानसभा के चुनाव को लेकर, कि जिस तरीके से बिहार में राजनीतिक अस्थिरता का माहौल है, जिस तरीके से मौजूदा गठबंधन की सरकार में विरोधाभास रह कर देखने को मिलता है, तालमेल का अभाव रह कर देखने को मिलता है, ऐसे में कब बिहार में विधानसभा के चुनाव घोषित हो जाए, इसका अंदाजा लगाना संभव नहीं है। ऐसे में जरूरी है एक राजनीतिक दल होने के नाते कि आप किसी भी परिस्थिति के लिए आप तैयार रहें, और हमने खुद इस बात को हर बार कहा है कि बिहार में हम मानते हैं कि तय समय से पहले ही विधानसभा के चुनाव होंगे, संभवतः लोकसभा के साथ अगर विधानसभा के चुनाव होते हैं तो भी किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। पिछले 2 साल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने तमाम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हुए निरंतरता में हम लोगों ने संगठन को मजबूत करने का और अपने जनाधार को का विस्तार करने का पार्टी ने कार्य किया। आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की थी, जब लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में टूट हुई उसके बाद हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा से हम लोगों ने शुरुआत की, जिस यात्रा को अपार जन समर्थन मिला। 5 जुलाई 2021 मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के जयंती दिवस पर उनके जन्मदिन के दिन हम लोगों ने इस आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी, और उस दिन से लेकर आज तक लगातार निरंतरता में ना सिर्फ आशीर्वाद यात्रा के दौरान बल्कि आशीर्वाद यात्रा की समाप्ति के बाद भी लगातार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जनता के बीच उनके साथ रहने का हम लोगों ने काम किया। शायद ही कोई ऐसी घटना होगी जहां पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हमारे नेता, संभवतः हम खुद स्वयं वहां पर हम लोग ना पहुंचे, और ये प्रयास पार्टी का रहा कि हर दुख की घड़ी में कम से कम उस पीड़ित परिवार के पास लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पहुंचे, जिसके पास आज की तारीख में कम से कम कोई नहीं है। बिहार सरकार को जो भूमिका निभानी चाहिए थी, सत्ता के अहंकार में ये सरकार इतनी ज्यादा चूर है कि पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर की बात है, उनको कोसने तक से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाज नहीं आते। विधानसभा में दिया गया उनका वक्तव्य कि जो पिएगा वो मरेगा, और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति हम लोग की नहीं है। जहरीली शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनकी कमियों की वजह से जहरीली शराब का निर्माण हमारे बिहार में होगा, आयात होता है अवैध शराब का सीमावर्ती इलाकों से, ये कमियां सरकार की और उनके प्रशासन की है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से आम बिहारियों को कोसा जाता है इसको लेकर, आए दिन बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं, देश भर का भ्रमण करने का, विपक्षी गठबंधन की बैठकों में जाने का मुख्यमंत्री के पास समय है, पर अपने ही बिहार के लोगों से मुलाकात करने का जिन मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है। ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया, अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना हम लोगों से बन पाया
आर्थिक तौर पर हो, इमोशनल तौर पर हो, उस परिवार की जो जितनी मदद हम लोग कर सके हम लोगों ने करने का, और उनके न्याय की गुहार को हर उचित मंच पर उठाने का हम लोगों ने काम किया। भले राज्य सरकार के समक्ष रखना हो, महामहिम गवर्नर साहब के समक्ष रखना हो, या केंद्र सरकार के समक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री या कई बार प्रधानमंत्री जी के भी समक्ष जरूरत पड़ी रखने की, तो हम लोगों ने रखने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे में आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक और यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो पार्टी की सोच, पार्टी के संकल्प, पार्टी के विजन के साथ जुड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ रही है, और जिस सोच के साथ बिहार का एक बड़ा वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं इस सोच के साथ जुड़ी हैं, जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेती है, उस सोच की संकल्प के साथ पुनः एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज से सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं इस सोच के साथ जुड़ी हैं, जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेती है, उस सोच की संकल्प के साथ पुनः एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज से संकल्प यात्रा पर निकलेगी। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का नाम इस यात्रा को दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य, जहां एक तरफ पुनः संगठन की मजबूती, संगठन की समीक्षा चुनाव की दृष्टि से करना होगा, तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या ऐसे नए लक्ष्य को हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है, इसको लेकर कुछ समय पूर्व आप लोगों से साझा किया गया था कि एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उस समिति में मौजूद है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का फाइनल ड्राफ्टिंग पर ये लोग काम कर रहे हैं। 2-3 साल पहले इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान, तब से लेकर अभी तक आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो या विभिन्न और कार्यक्रम के माध्यम से कई नई जानकारियां हम लोग के समक्ष आई, कई नए मुद्दों को उठाने का काम पार्टी ने किया। हाल फिलहाल के दिनों में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में आंदोलन करने का काम किया, इन तमाम विषयों को लेकर भी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। इस यात्रा के माध्यम से भी जो नई जानकारी, जो नए प्रस्ताव, जो नए सुझाव सामने आएंगे, उसको भी विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने का काम हम लोगों के द्वारा किया जाएगा। संकल्प यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य, जहां बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को और मजबूत और सशक्त करना होगा, तो वहीं साथ ही में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से भी अब पंचायत तक नहीं, अब हर बूथ तक पार्टी का कैडर पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने पटना में पंचायत अध्यक्षों तक की समीक्षा हर प्रकोष्ठ की हम लोगों ने की, और मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि हर प्रकोष्ठ मजबूती से हर पंचायत तक अपने अध्यक्षों की नियुक्ति करने में सफल रहा है। लगभग 8,500 के करीब जो पंचायतें हैं, पार्टी का मेन प्रकोष्ठ हो या पार्टी का मेन विंग हो या पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ हो, तमाम प्रकोष्ठों ने अपने पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति हर पंचायत तक सफलतापूर्वक, न सिर्फ पंचायत अध्यक्ष बल्कि पंचायत कमेटी तक का गठन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सफल रहे हैं। एक दो प्रकोष्ठों में जहां थोड़ी सी कमी पेशी सामने आई है, पार्टी ने उस पर कार्रवाई की है और जल्द ही उसको भी और मजबूत किया जाएगा। पर इस बार संकल्प यात्रा के माध्यम से हर बूथ पर कैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर प्रकोष्ठ का मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष मौजूद हों, उस दृष्टि से इस संकल्प यात्रा को आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ
बिहार के 3800 जिले में मूवमेंट करेंगे, जहां पार्टी के मेन प्रकोष्ठ, जहां पार्टी के मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी रहेंगे। उन्हीं के साथ पार्टी के हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा में साथ में रहेंगे। हर जिले में एक दिन की ये यात्रा होगी। उदाहरण के तौर पर आज जैसे मुजफ्फरपुर है, आज मुजफ्फरपुर में जाएंगे, दिन भर वहाँ पर अलग अलग प्रकोष्ठों का, चर्चाओं का दौर चलेगा, समीक्षा का दौर चलेगा और इंटर प्रकोष्ठ भी ये चर्चाएं होंगी, ताकि प्रकोष्ठों के बीच भी समन्वय बैठे, उसके बीच भी किसी तरीके की अगर कोई दिक्कतें हैं एक प्रकोष्ठ का दूसरे प्रकोष्ठ को के साथ किसी तरीके का विवाद हो या किसी तरीके की असहमति हो, तो उसको भी तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की मौजूदगी में ही सुलझाया जाएगा। देर रात तक ये बैठकों का दौर अलग अलग और एक साथ उस जिले में चलेगा, सुझाव अलग अलग प्रकोष्ठों से लिए जाएंगे और अगले दिन सुबह रात्रि प्रवास भी उसी जिले में तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का होगा और अगले दिन सुबह वहाँ से प्रेस वार्ता कर बैठक में हुई तमाम बातों की जानकारी मीडिया के साथियों से साझा कर तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष अगले जिले के प्रवास के लिए ये लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। लगभग 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली की हम लोगों ने घोषणा की है। ये रैली से पूर्व ये यात्रा को संपन्न करने का लक्ष्य है। तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्ष जाकर सुनिश्चित करेंगे ताकि संगठन के माध्यम से उस रैली में उपस्थिति आम जनता की तो होगी ही होगी, पर संगठन की एक बड़ी मजबूत उपस्थिति, लगभग जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख हम लोग के पदाधिकारी उस संकल्प रैली में बिहार के गांधी मैदान में उपस्थित हों, ये लक्ष्य हम लोग का है। साथ ही में यकीनन जो आम बिहारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट से अपनी सहमति रखते हैं, यकीनन उन लोगों की भी उपस्थिति होगी, पर एक मजबूत उपस्थिति पार्टी के पदाधिकारियों की हो, इस बात को भी इस संकल्प यात्रा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे में पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा की शुरुआत आज से करेंगे, जिसमें हमारे मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी होंगे,